दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंटपुरी में। तो यहाँ पर जो यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती है, इसमें बहुत लोगों को ये डाउट रहता है, जो ग्राम प्रधान हैं उनके कौन कौन से संबंधी यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो कौन कौन से संबंधी फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन नहीं डाल सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में फुल डिस्कस में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा नया आने वाला वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है उनके रिश्तेदार यहाँ पर जो है ये पंचायत सहायक नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं, सदस्य व सेक्रेटरी के परिजन रिश्तेदार का भी नहीं होगा चयन। मतलब सदस्य अगर कोई है, मतलब नहीं, ये मेंबर होते हैं या सेक्रेटरी है कोई, सेक्रेटरी जो होता है उनके परिजन हो, मतलब कोई घर का हो या कोई भी रिश्तेदार हो, उनका यहाँ पर चयन नहीं होगा। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये तो आपको पता ही है, 58,189 पदों पर यहाँ पर ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये आई हुई है। और जो पद हैं यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत में 58,189 पंचायत सहायकों, पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये पद हैं। और इनके जो कार्यवाही है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगी, 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 सितंबर तक यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मतलब कौन कौन से ऐसे संबंधी हैं जो इसमें फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चौधरी ने लोक भवन में प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम प्रधान, कोई ग्राम प्रधान है उसके संबंधी, उप प्रधान के संबंधी और सदस्य यानी मेंबर के संबंधी अथवा सचिव का संबंधी या कोई सचिव है तो उसके संबंधी यहाँ पर नहीं नियुक्त किए जाएंगे। और ये जो हैं इनके यहाँ मतलब कौन कौन नहीं नियुक्त किया जाएगा, अगर उसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं, संबंधियों में पिता, कोई ग्राम प्रधान, उप प्रधान या सदस्य है या सचिव है तो उसके पिताजी और उसके दादाजी, तो उनका यहाँ पर जॉब नहीं लग सकता है। ससुर, इनका भी नहीं लग सकता है। इसके आगे पिता अथवा माता संबंधी, मतलब पिता और माता संबंधी, ससुर इनका भी नहीं लग सकता है, मतलब पिता के ससुर या माता के ससुर उनका भी नहीं लग पाएगा। पुत्र, कोई भी अगर प्रधान, उप प्रधान या सदस्य या सचिव है तो उसके पुत्र का भी नहीं लगेगा, पौत्र यानी पोते का भी नहीं लगेगा, दामाद का भी यहाँ पर जॉब ये नहीं लग पाएगा, पुत्र वधू यानी बहू का भी नहीं लगेगा, बहन का भी नहीं लगेगा, पति पत्नी पुत्री माँ, मतलब कोई अगर लेडीज प्रधान है तो उसके पति का नहीं लगेगा, अगर कोई जेंट्स है तो उसकी पत्नी का नहीं लगेगा, अगर कोई है, कोई भी है मतलब लेडीज हो या जेंट्स हो, उसकी पुत्री का भी नहीं लगेगा और उसकी माँ का भी ये जो है यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। मतलब तो टोटल इतने लोग हैं जिनका यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई पड़ोसी है तो पड़ोसी नहीं फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि पड़ोसी ये सोच सकता है कि हम भी तो इनके संबंधी हैं, पड़ोस में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई दोस्त भी ये ना सोचे कि मैं इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकता हूँ, कोई भी दोस्त है अगर उसके परिवार में इन सदस्यों में नहीं है जो मैंने सदस्य भी बताए, तो वो इसमें आसानी से भर पाएगा फॉर्म, चाहे संबंधी हो, दोस्त या पड़ोसी कोई भी हो, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते जो मैंने ये जो बताए हैं उन्हें छोड़कर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और वहां पर जो इसका फॉर्म है वो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो वहां से आप आसानी से डाउनलोड उसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।